दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक कश्मीर पत्थरबाजों पर एक वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सेना इन पत्थरबाजों को पकड़कर क्या करती है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए समझते हैं ये पत्थरबाज को पत्थर चलाने की सलाह मशवरा देता कौन है। ये सब वहाँ के कुछ देशद्रोही नेता हैं और वहाँ के कुछ ऐसे अलगाववादी नेता जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की। इन लोगों का काम यही है कि कश्मीर में ऐसे ही तबाही कराते रहें और लोगों के बीच में बने रहें। ये लोग पत्थरबाजों को तीन परत में खड़े रखते हैं। सबसे आगे बच्चे और औरतों को रखते हैं, उसके बाद असली पत्थरबाज झोली भर भर के पत्थर रख के खड़े रहते हैं, और सबसे पीछे उन नेताओं के गुंडे रहते हैं जो उन पत्थरबाजों को जोश दिलाते हैं, उमंग देते हैं, ताकि वो और ज़ोर से पत्थर फेंके और सेना को नुकसान पहुँचाए, सेना को उनके काम न करने दें। अब तो हद हो गई है, क्योंकि इसमें अब भारी संख्या में स्कूली लड़कियां भी आ गई हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हाँ, ये सेना इन पत्थरबाज लड़कियों को या बच्चों को पकड़ के क्या करती है। इसमें तो जाहिर है कि हाँ, कुछ पत्थरबाज को सेना पकड़ लेती है। तो सेना इनके साथ कोई सख्ती नहीं करती है, क्योंकि ये लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं। सेना उनके परिवार वालों को यानी उनके माता पिता को बुलाती है और उन बच्चों को समझाती है, यानी उन बच्चों का काउंसिल होता है, फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये बच्चे दूसरे के अंडर में रहते हैं, कुछ रुपये पैसे के लिए कहीं भी चले जाते हैं, और ये लोग आज़ादी चाहते हैं। पता नहीं ये लोग कौन सी आज़ादी चाहते हैं। तो चलिए, और ऐसा बात नहीं है कि वहाँ सब लोग पत्थरबाज ही हैं। वहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ एक और वीडियो में अपने नए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।